कोई ऐसा झटका ना लगे हमें। इसके अलावा जो कोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट है, जैसे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जो कि लाइट को स्टडी करती है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक ब्रांच है जो चार्ज को स्टडी करता है, और चार्ज किस पे पड़ा होगा, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि जिसके अंदर हम एक चार्ज को स्टडी करते हैं, और चार्ज किस पे पड़ा होगा, रेस्ट पे। पूरे यूनिट के अंदर 1.5 महीना चलेगा चार्ज, मतलब ही नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज मूव कर गया, चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर, एक वायर चाहिए, तार के बिना नहीं करेगा वो, एक कंडक्टर चाहिए। और जब कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेगा तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड यूनिट का नाम है आपके सिलेबस में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट। तो सिलेबस समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, चार्ज जब कंडक्टर के अंदर मूव करेगा तो आप मैग्नेटिक निडल को अपने पास लेके खड़े हो जाएं, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, एक नई चीज सामने आएगी कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है करंट कैरिंग वायर, और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स अफेक्ट। तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है, ये थर्ड यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर, राइट। तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अभी तक थर्ड यूनिट में ये सिखाया जाएगा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फोर्थ यूनिट आएगा जिसमें ये डिस्कस होगा, फेराडेज के लॉ आपने सुने होंगे कभी, कि एक मैग्नेट गिर गया था एक करंट कैरिंग लूप के अंदर, उसमें सॉरी एक लूप के अंदर, और ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हुआ। तो यह सिखाया जाएगा कि जब मैग्नेट एक लूप में गिरा तो उसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी थर्ड यूनिट था, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फोर्थ यूनिट है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकता है, दोनों वाइस वर्सा है। ये चौथा यूनिट होगा आपके सिलेबस का। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर आएगा जिसको ईएम वेव्स बोलते हैं। ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज किया, और दोनों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल हुआ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज भी अगर आप फोन मिलाओ तो रेडियो वेव्स निकलती हैं, वो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वेव्स ट्रेवल करती हैं। ये ईएम वेव्स बताएगा। उसके बाद ये वॉल्यूम वन कंप्लीट होगा, ये पूरा वॉल्यूम 1 सितंबर को कंप्लीट होगा किसी भी हालत में, क्योंकि सितंबर के जो एग्जाम्स हैं वो ईएम वेव्स तक आते हैं। सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स, और हमने री ऑप्टिक्स प्लस वन में किया, सुनने में आया कि री ऑप्टिक्स वापस प्लस टू में आ गया, तो खुशी की बात, एक बार हो गया प्लस वन में, सेकेंड टाइम 10 दिन रिवाइज करेंगे तो लोड कम लगेगा आपको, ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ उनको एडवांटेज होगा। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में 1.5 महीना लगेगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा केमिस्ट्री बेस, थोड़ी इजी लगती है फिजिक्स बाद में एंड में, जिसमें केमिस्ट्री को लेके आप बोहर्स मॉडल, एनर्जी -13.6 / n², क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन बहुत इजी लगता है, रेडियो एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। और लास्ट जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको बिल्कुल आखिरी में स्टडी करेंगे। तो आप अगर इन पूरे नाम को जरा ध्यान से देखें, जितने भी हमने जो है मेरे चैप्टर्स बोले, कहीं पर भी आपको ये फील नहीं आया होगा कि SHM है, रोटेशनल है, और कोई टॉर्क है, अभी कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही चल रहा है सारा, राइट। तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, एक चार्ज रेस्ट पे है, कोई कितना ही स्टडी कर लेगा चार्ज को रेस्ट पे, है तो चार्ज रेस्ट पे ही ना, और कितना ही स्टडी कर लेगा, आप मानोगे
दो महीने लगेंगे इसको स्टडी करने में, कम से कम 1.5 से 2 महीने कुछ नहीं करेंगे, चार्ज मतलब ही नहीं, अपनी जगह छोड़ दे, जहां है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उसके जितने इफेक्ट्स हैं वो स्टडी करवाए जाएंगे, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करता है अपने आसपास, पोटेंशियल कितना जनरेट करता है अपने आसपास, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है और कुछ मैथमेटिकल पोर्शन से भी स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर पूरी तरह खुलेगा नहीं, अगली बार एकदम सही हो जाएगा। ये जो शीट चल रही हैं ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, आपके पास इसकी फोटोकॉपी है, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ अपनी रिसेप्शन से फोटोकॉपी ले लें। और चैप्टर 1 फर्स्ट असाइनमेंट है आपकी, फर्स्ट असाइनमेंट के नाम से है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिनको नहीं मिली उनको भी फोटोकॉपी मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है जो लोग ज़्यादा लिखते हैं उनका रिजल्ट ठीक आता है। जो लोग नोट्स लिखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं चाहे कुछ भी है, उनका रिजल्ट बेटर ही रहेगा। तो जो भी काम आज मैं दूंगा आपको, अपने रजिस्टर के ऊपर अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ये मेरे हैं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ। आपको सिर्फ सिर्फ ये हेल्प मिलेगी कि हाँ इस तरीके से ये चैप्टर चलेगा, आपको अपने खुद बनाने हैं एज इट इज, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट। ये तो मेरी बातों से सबको पता लग चुका है। दूसरा, दो तरीके के चार्जेस हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये भी सबको मालूम है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज आया कहां से। ये हमारी अजम्पशन है कि किसी स्फेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी अजम्पशन है। रियलिटी में ये होता है कि अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कहीं से कुछ फालतू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसी ने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय नेगेटिव, तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्स्ट्रा टर्म को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से किसी बॉडी के तो इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने एक जगह से दूसरी जगह में दिए, तो वो जो बॉडी है जिसके इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए वो डेफिशिएंसी है उसके पास, तो डेफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉजिटिव से, तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, और डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी चीज, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आप अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो उसके कितने तरीके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, आपने उठाए इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में डाल दिए, कोई तो तरीका होता होगा इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करने का, या किसी बॉडी को सॉरी चार्ज करने का। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, बेसिकली आप एक रॉड लें, ग्लास रॉड है, और साथ में एक पीस ऑफ सिल्क लें, और अगर आप इन्हें रब करें तो रब करने का मतलब आप इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिल्क लेंगे और रॉड लेंगे तब तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप सिल्क और रॉड लेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है और को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है रॉड के, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली रब करने से, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इसमें चले गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इसमें चले गए सिल्क में, तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये चार्ज कैसे आया, आपने इन दोनों को रब करके क्या प्रोवाइड की, एनर्जी, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिमिलरली आप एक एबोनाइट रॉड लें और साथ में एक वूल लें, तो आप इन्हें रब करें, अगर इसमें उल्टा हो जाता है,
इसमें क्या हुआ था, रॉड के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें क्या होगा, इसके अंदर वूल के इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड में चले गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो कोई स्टूडेंट घर गया, उसने कहा ये तो कमाल की चीज सीख लिया आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी भी चीज को जादू रब करेंगे चार्ज आ जाएगा, नहीं आएगा, सब में नहीं ये रूल चलेगा, जो मटेरियल है उसके जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे डिपेंड करता है, अगर वो लूजली बाउंड है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर वो टाइटली बाउंड है फिर उसका रिमूवल नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कोई भी कपड़ा लोगे उसको रब करोगे किसी भी लकड़ की रॉड के साथ और ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, इन्हीं के साथ होगा जो मैंने शो किया है, राइट। सिंथेटिक के कपड़े डालते हो तो वो स्पार्किंग की आवाज आती है, कुछ ऐसे कुछ वूल है सिल्क है तो रात को वो स्पार्क भी करता है कुछ इस तरीके से, तो बेसिकली वो कपड़ा ही ऐसा है, वो क्लोथ ही ऐसा है, सारे कपड़े के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट एग्जाम्पल है, बाई फ्रिक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में सेकेंड मेथड जिससे कि चार्जिंग पॉसिबल है इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप किन्हीं भी बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आओ, अपने आप चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, रब करने की जरूरत नहीं। अगर रब कर दिया तो भाई फ्रिक्शन हो गया, जोड़ दिया सिंपल कॉन्टैक्ट में ले आए तो वो कंडक्शन है। जैसे सपोज इसके पास ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, एक मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी पूरी करने चले गए पॉजिटिव की, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था डेफिशिएंसी थी, और यहां पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टच करते ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम मेटल से लेके किसमें, इस रॉड में, तो रॉड की कुछ डेफिशिएंसी उसने ठीक कर दी, इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस चक्कर में ये खुद पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए तो इसके पास भी डेफिशिएंसी रह गई, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसके अंदर ये खुद पॉजिटिव हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज शेयर हो गया, वो एक्चुअल में शेयर तो हुआ पर कैसे हुआ, या कुछ लोग ये बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज कभी भी चलता नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो एक खाली सीट है, पॉजिटिव चार्ज तो एक डेफिशिएंसी है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां चले गए और खुद डेफिशिएंट हो गया ये मेटल, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, पर पूरी तरह कंप्लीट पूरा कर नहीं पाया, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें हो गया और कुछ इसमें हो गया। आपको रब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसी कॉन्टैक्ट में लेके आए, तो इस मेथड में जब आप दो बॉडीज को वैसी कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज नोन एज कंडक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन में क्या करना पड़ता है, रब, कंडक्शन में क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में, दो तरीके। तीसरा एक और तरीका है, तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड इंड्यूस होने से वर्ड आया, इंड्यूस होना, इंड्यूस होने का मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट में लाए बिना, उनको बिना टच किए बिना चार्ज का प्रोड्यूस होना इज इंडक्शन। हम बोलते हैं चार्ज पैदा हो गया, इंड्यूस हो गया, वो कैसे हुआ इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अर्थिंग का या फिर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हमारे घरों में आप कोई भी अगर थ्री प्लग लगाते हो, कोई एसी या कोई भी चीज है उसमें एक तीन तारे होती हैं प्लग में, रेड या ब्लैक, और एक कलर की स्पेशल वायर है ग्रीन कलर की वायर है, हरे रंग की वायर तो उसके अंदर देखी घरों के अंदर दिखती है आपको, राइट। तो ग्रीन कलर की वायर या जो थ्री प्लग है उसमें ये वाला जो बटन है ऊपर वाला वो अर्थिंग का होता है, बाकी दो जो है करंट उसमें जाता है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने के लिए, हम अर्थ क्यों करते हैं, अगर मान लो एक कूलर है, मेटल की बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज मेटल का है या कूलर मेटल का है या ये जो यूपीएस है ये भी मेटल का सरफेस है या कुछ इस टाइप का मटेरियल है या इस टाइप का मटेरियल है, अब देखा जाए तो अंदर क्या है, अंदर करंट चल रहा है, राइट, अंदर करंट है, करंट का मतलब अंदर चार्ज है,
अंदर चार्ज है। तो अब एक प्रॉब्लम है इसमें, कई बार आपने नोट किया होगा कि कूलर या कोई भी मेटल की बनी हुई बॉडी शॉक मारती, शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है, दरवाजों में भी कई बार हो जाता है, ये एल्यूमिनियम के स्पेशली शॉक लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, आप कहते हो कि कोई प्रॉब्लम है, या कई बार आपने ये भी नोट किया होगा ट्यूब कभी बंद हो रही है कभी चल रही है, जबकि मेन सप्लाई बंद है। हमारे यहाँ तो बहुत हो जाता है वैसे, ठीक, तो यहाँ पे ये लाइट्स ऑन ऑफ रहती हैं, इस बिल्डिंग की अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, अर्थ से चार्ज कैसे आ जाता है, मैं आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इंडक्शन है क्या, और अर्थिंग के साथ समझाऊंगा। सपोज करो आपके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कहीं से मैं कर लाया चार्ज इसे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देके मैं लेके आया हूं। इसके सामने मैंने एक कंडक्टर स्फेयर रख दिया, एक कंडक्टर का बना हुआ एक स्फेयर रख दिया, राइट, मेटल है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड इसके सामने रखी गई, तो इस नेगेटिव ने इस कंडक्टर के चार्जेस को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा दिया। तो क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इस तरफ आ गए और अपनी जगह क्या छोड़ गए, डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हैं, तो एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई और एक तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बात समझ में आती है। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये रूल क्लियर है यहां तक, हमने ये बोलना है कि यहां पर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, कोई डाउट इसमें। लेट अस सपोज एक मिनट के लिए मैं इस रॉड को वापस ले जाता हूं, ले गया मैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और अपनी डेफिशिएंसी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और अल्टीमेटली ये फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, बात वहीं पर आ गई, था तो ये पहले भी न्यूट्रल, जब मैंने इसकी रॉड को इसके सामने रखा हुआ है तो उस केस में ये तो मुझे समझ में पहले ही आ रहा था। मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ कि इसमें नेट चार्ज कितना है, तो ऑब्वियसली जितना ये उतना ये, आपस में नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, अल्टीमेटली नेट चार्ज तो इसमें जीरो है, राइट। लेकिन इसलिए ये अरेंजमेंट हो गया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और अपनी जगह डेफिशिएंसी हो गई। ठीक, ये ना एक टेम्पररी चार्ज है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, रॉड को अपने घर ले जाओगे ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये स्फीयर परमानेंटली चार्ज हो जाए। अब इसको सीखने के लिए आपको अर्थिंग सीखना पड़ेगा। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपेसिटर एक चैप्टर आएगा उसके अंदर बहुत डिटेल में है, बहुत ही डिटेल में और मैथमेटिकल है। अभी के लिए ब्रीफ में बताऊंगा अर्थिंग क्या होती है ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए, अर्थ करते क्यों है। अर्थिंग के अंदर क्या होता है, अर्थ की पहले प्रॉपर्टी समझ लो। अर्थ के अंदर बहुत सारा आयरन और बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे, दुनिया भर का जो है अर्थ ही मेन सोर्स है। अर्थ के अंदर आयंस माने जाते हैं, कितने आयंस, इनफाइनाइट आयंस हैं। कौन से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अर्थ को अगर आप टच करते हो तो आपको कोई चार्ज फील नहीं होता, जबकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं पूरी अर्थ के अंदर, मानते हो इस चीज को। अर्थ के अंदर इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज है और इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कितना, और आप इसको जितना मर्जी चार्ज दे दो इसके पास इतनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की कि ये इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया का अगर चार्ज इसमें चला भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थ शॉक मारनी स्टार्ट नहीं कर सकती, मतलब इनफाइनाइट है इसके ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव कि आपस में इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो अर्थ इसलिए न्यूट्रल है ओवरऑल क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, आपस में इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पहला पॉइंट अर्थ के बारे में। अर्थ जो है उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, दो चीजें। तो अर्थ हम एक टॉपिक करेंगे पोटेंशियल, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, पर मैं ये टर्म यूज नहीं करना चाहता बिकॉज पोटेंशियल का पूरा चैप्टर आएगा उसमें यूज करेंगे। अभी सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपना इफेक्ट क्या कर जाते हैं, कैंसिल। ठीक हो गया यहां तक। अर्थ के साथ अब सपोज करो मैंने एक बॉडी को ज्वाइन कर दिया, ये एक मेटल की बॉडी है, इस मेटल की बॉडी के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज था, ठीक,
मैंने इसको अर्थ के कॉन्टेक्ट में जोड़ दिया। अब अर्थ के कॉन्टेक्ट में जोड़ने का मतलब होता है कि ये अर्थ का ही पार्ट है, मतलब ये अर्थ ही हो गया, मतलब अर्थ के ऊपर ही अर्थ के अंदर चला गया, ठीक, कॉन्टेक्ट में जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अर्थ के कॉन्टेक्ट में है तो अर्थ चाहेगी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ना रहे, जैसे अर्थ न्यूट्रल है वैसे ये मेटल की प्लेट भी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि है तो अर्थ का पार्ट हो गया ना अभी ज्वाइन करने का मतलब। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगी, इस वायर के थ्रू इसको देख लेगी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इस पूरे अफेक्ट को, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन्स हैं सप्लाई करके न्यूट्रल कर देगी। मान लो इसके बाद 10 की डेफिशिएंसी थी, तो अर्थ क्या करेगी, 10 की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करके इसको दे देगी, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो अर्थ ये देख लेती है कि किसी बॉडी के पास कितनी कमी है चार्ज की, जितनी कमी है उसको कॉन्टैक्ट में लेके आओ अर्थ के साथ, अर्थ उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके उसको न्यूट्रल कर देती है। अब सपोज करो किसी ने कहा कि एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मैंने इस प्लेट को किससे ज्वाइन कर दिया, अर्थ से ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब ये क्योंकि ये फिर से अब अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया और अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये प्लेट भी क्या चाहेगी, अर्थ क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज का अफेक्ट ना हो। अर्थ के पास बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के थ्रू खींच लेगी और पॉजिटिव चार्ज में एंटर करवा लेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं वायर में, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रेवल नहीं करता वायर में, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जितना मर्जी चार्ज दे दो, ये प्लेट फिर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैंने अर्थ नहीं की और मैंने इस प्लेट को टच कर लिया तो मुझे शॉक लगेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा शॉक उतना स्ट्रॉन्ग लगेगा, वीक होगा तो शॉक वीक लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थ का। अब इसके अंदर अब हम घरों के अप्लायंसेस में आते हैं। जब भी घर बनते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हो या घर बनाओगे, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम होता है। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग या मीटर लगाने से पहले सबसे पहला काम ये करता है, घर के किसी वेड़े में या घर के बाहर बहुत गहरा एक गड्ढा खोदता है, उसमें कोयला मंगवाएगा, नमक डालेगा और पता नहीं क्या कुछ डालता है, वो अर्थिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, उसमें ग्रीन कलर की वायर डाल दी जाती है बहुत मीटर नीचे, ताकि अर्थ के अंदर वो चार्ज जा सके। उस तार को एक मीटर के साथ, आपके मेन मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, वो मेन मीटर की जो वायर ग्रीन कलर की वायर आ रही है, वो मेन मीटर से हमारे घरों के हर स्विच के अंदर चली जाती है। मान लो इस बिल्डिंग के मेन मीटर से अर्थ से लेके मेन मीटर से लेके वो वायर होती हुई यहां पर भी आ गई है। अब इमेजिन करो ये मेटल की बनी हुई बॉडी है, इसके अंदर क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है, करंट घूमने का मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब इमेजिन करो कि अगर एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे हैं और ये मशीन एक कंडक्टर की बनी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि नेगेटिव चार्ज इसकी छत के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर चले जाएंगे और अपनी जगह क्या छोड़ जाएंगे, डेफिशिएंसी। जो ये मशीन है, इसकी जो छत है, अगर नीचे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भगा दिए इसने, सभी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ने, तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। आप ऐसी मशीन को जब टच करोगे आपको लगता नहीं कि शॉक लगेगा, आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, लगता भी है कभी कभी, मशीन करंट मारती हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो कहते हैं अर्थिंग कमजोर है इसकी, थोड़ी अर्थिंग ठीक करता है, वो ठीक हो जाता है। क्यों, वो क्या करता है, इस मशीन की ग्रीन कलर की वायर इसकी इस बॉडी के साथ टच कर दी जाती है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये देख रहे हो आप, अर्थ के साथ जब कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो मेन मीटर से होता हुआ अर्थ की तरफ जा चुका है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ क्या चाहेगी कि इसकी सरफेस क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं सारे के सारे अर्थ में चले जाते हैं, पॉजिटिव का कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, तो बाहर से बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो कोई भी चीज शॉक मार रही है, अगर मान लो मशीन, आप उसकी अर्थिंग कर दो प्रॉपर, वो शॉक लगना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज आपकी बॉडी में जाने की बजाय कहां चला जाएगा,
अर्थ में चला जाएगा। क्लियर यहां तक? तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो जिस चीज को आपने अर्थ कर दिया, आप ये समझ लो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, हम बात कर रहे थे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपके पास एक स्फेयर है, ये स्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। आप इसके ऊपर क्या ले आए, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए इसके सामने। नेगेटिव रॉड जब इसके सामने आई तो इसने क्या किया, इसके इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ चले गए और यहां क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। कोई डाउट इसमें? राइट, डेफिशिएंसी आ गई। रॉड को यहां से ले जाओगे, ये वापस न्यूट्रल दिखेगा आपको। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, किसी ने क्या किया, इसकी जो लास्ट ये सरफेस है, ये वाली पीछे वाली सरफेस है, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए किसमें, अर्थ के अंदर चले गए। ठीक, यहां से ध्यान से, तो यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो के कहां चले गए, अर्थ में चले गए, क्योंकि अर्थ क्या चाहेगी कि ये न्यूट्रल है, ये भी हिस्सा न्यूट्रल हो जाए। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे ये भी तो न्यूट्रल करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इसको न्यूट्रल करने के लिए अर्थ को क्या भेजने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं सकते क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता जा रहा है, रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे, तो पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल हो नहीं पाएगा। तो एक हिस्से पे पॉजिटिव रह गया, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि चार्ज चला गया। राइट, यहां तक क्लियर है? फिर आपने क्या किया, अर्थिंग को हटा दिया, अर्थिंग हट गई, रॉड को भी दूर ले गए। अल्टीमेटली इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन वापस तो आने से रहे क्योंकि अर्थिंग तो गई, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर यहां तक? तो देखो, आपने रॉड को इसके साथ बिना टच किए फाइनली इसके ऊपर क्या चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से एक बॉडी के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज ला दिया, ला दिया नहीं बोलना, इंड्यूस कर दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन। बोलो, अर्थ की जगह वो कुछ कोई मैकेनिज्म कर सकते हो, बस ये वाला चार्ज निकालना है। नॉर्मली अर्थिंग चलती है, जो बुक्स लिख रही है हम तो वही कर रहे हैं, कर सकते हो, किसी तरीके से हटा दो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। ओके, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडक्शन का और प्रोसेस कैसे चल सकता है। ध्यान से देखो, दिख रहा है यहां से, देखो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर सपोज करो ये एक रॉड है और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज रॉड, बात नहीं करनी प्लीज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए, तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। अगर मैं रॉड को यहां से हटा दूं तो स्फीयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर आप चाहते हो परमानेंट चार्ज आए, तो इस तरफ आपने क्या कर दिया, अर्थ या ग्राउंड कर दिया, तो ये ग्राउंड कर दिया। अर्थ ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके पॉजिटिव उड़ा दिया, नेगेटिव को वो टच नहीं कर पाएगी बिकॉज नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अर्थ हटा दो, रॉड हटा दो, नेगेटिवली चार्ज क्या रहेगा इसमें, पहले आपने अर्थ हटाई, नेगेटिवली चार्ज अभी भी अट्रैक्टेड है रॉड के साथ, अर्थ तो हट गई यहां से, ये तो बिल्कुल खाली हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, रॉड हटा दो तो नेगेटिव नेगेटिव अब रिपेल करेंगे तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बॉडी के ऊपर और परमानेंटली कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो रॉड कौन से चार्ज थी, पॉजिटिव, बॉडी के ऊपर फाइनल चार्ज क्या आया, नेगेटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि तीन तरीके हैं, एक फ्रिक्शन, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, देखो जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज तो रह ही गया ना, अगर अर्थिंग नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस प्लस के ऊपर बैठ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा,
डेफिशिएंसी तो पूरी करो, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, साइलेंस। अभिषेक रावत, चिराग मेहरा, सौम्या सिंह, 315, ये तो हो चुकी ना, सौम्या सिंह तो आ चुके। तान्या, तान्या, अर्पित, ये नहीं है, कोमल, आकाश ठाकुर, आकाश ठाकुर, कोमल, ऋषभ पांडे, रिया सिंह, 315 में अब लिस्ट बनाओ जरा, 1 मिनट, 315 वाले। देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है, इंडक्शन कैसे हुई। तो कोई भी प्रोसेस से आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडक्शन एंड कंडक्शन के। आप किसी भी मेथड से बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आज का ऑब्जेक्टिव भी होगा एक, अभी हम शीट करेंगे एक, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि मान लो आपके पास दो न्यूट्रल स्फेयर्स कंडक्टर हैं और कांटेक्ट में है, राइट, ये कांटेक्ट में है। इसके सामने आपने एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज रॉड रख दी, इंडक्शन हो गई। इंडक्शन ने क्या करना है, इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपस में जुड़े हुए थे सारे, दोनों के दोनों स्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर यहां आ गए, और यहां क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कितनी, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर मैं रॉड को वापस ले जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन वापस यहां जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने क्या किया, रॉड को यहीं रखा ताकि इलेक्ट्रॉन मेरे भाग ना जाएं, मैंने स्फेयर को पीछे से सेपरेट कर दिया। देखो सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो वापस जा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। स्फेयर जब सेपरेट हो गए तो इसके ऊपर परमानेंटली कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। और जब मैं रॉड को दूर ले गया तो इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग के अपने पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये न्यूट्रलाइज तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होने के चक्कर में यहां पर आ जाएंगे चार्जेस, तो ये फाइनल डायग्राम बन जाएगा, राइट। तो दोनों के ऊपर परमानेंट क्या आ गया, चार्ज आ गया, हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो ठीक है, सेपरेट किया तो यहां तक भी ठीक है। तो इसको अपने घर ले जाओ पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। रॉड हटा दोगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी किसकी करेंगे, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हम बोलते हैं चार्ज मैंने क्या किया, इसके ऊपर इंड्यूस किया। तो यहां तक क्लियर है, चार्ज इंडक्शन होती क्या है बेसिकली, कोई डाउट इसमें। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये शीट सबको मिली हुई है ना, सबके पास है, ओके। अपने घर जाके ये सारा पूरा रजिस्टर बनाना है, और प्लीज रजिस्टर बहुत पतला मत बनाना, नहीं तो 15-18 रजिस्टर तो आपके बनेंगे कम से कम, फिर मत कहना कि घूम गया एक आध, क्योंकि जो लोग 100 पेज का रजिस्टर लगाएंगे उनका क्या बनना है, 18 शीटें तो आपके आज ही भर जानी है टोटल, ठीक है। तो थोड़ा जितना मोटा हो सके उतना मोटा रजिस्टर लगा लेना ताकि प्रॉपर नोट्स रहे, ठीक। चेक होएगा रजिस्टर, लिखित के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो बोर्ड की क्लास है, वैसे ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक, ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये ना क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है ना, ये आपने पहले शायद केमिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा जरूर। क्वांटाइजेशन क्या, कहां सुना है, एनर्जी क्वांटाइजेशन तो नहीं सुना, कि शेल की जो एनर्जी होती है -13.6 / n² वो फिक्स्ड होती है और वो चेंज नहीं होती, हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, ऐसे ही कुछ करते हो, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ऐसा ही है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस चार्ज के साथ, प्लीज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, और मान लो ये न्यूट्रल है। मैंने क्या करना है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, तो इसके ऊपर 10 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 10 का चार्ज पॉजिटिव, ठीक हो गया यहां तक। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जब इलेक्ट्रॉन निकाला, जब पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन किया तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, जब दो किए तो इसके ऊपर इतना आ गया, जब तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो +3e - 3e आया,
और अगर n किया तो प्लस एन ई और माइनस एन ई आ गया, कोई डाउट इसमें? राइट, तो ऐसा हो सकता है कि चलो डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, 1.5, नहीं नहीं डेढ़ नहीं हो सकता, या तो एक होगा या दो करवा लो, डेढ़, ढाई, साढ़े तीन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। यही क्वांटाइजेशन है कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है और एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे, या वो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, चार होगा, फ्रैक्शन में चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके ऊपर या तो चार्ज प्लस ऑफ एन ई है या फिर माइनस एन ई है। तो इस केस में चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ए और बी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो फॉर फर्स्ट बॉडी जिसके पास डेफिशिएंसी है वो प्लस में, जिसके पास एक्सेस है वो नेगेटिव में। कोई डाउट इसमें? राइट, तो इसको लिखना कैसे, एनसीईआरटी में आएगा, मार्क कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक नंबर में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आएगा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोगों को केमिस्ट्री से आदत होती है सर्टन मिनिमम चार्ज की जगह सर्टन मिनिमम एनर्जी लिखने की। मैं दिखा दूंगा जब टेस्ट होगा, ये क्वेश्चन पक्का डालूंगा टेस्ट के अंदर, मैं दिखाऊंगा जिस स्टूडेंट ने लिखा कि देखो मैंने हजार बार बोलने के बाद भी वो लिखता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन। आप में से दो तीन अभी भी निकल आएंगे इतना बोलने के बाद भी, वो भूल जाएंगे कि चार्ज की क्वांटाइजेशन है, वो अभी भी सोचेंगे कि केमिस्ट्री की एनर्जी की क्वांटाइजेशन है। राइट, अगर चाहते हो कि वो पेपर यहां ना डिस्प्ले हो तो अंडरलाइन कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो है चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट इसमें? अक्षर क्लियर है? सो इसको ऐसे लिखना है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹. कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? रिदम क्लियर है? कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्वांटाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ओनली, या क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है, क्योंकि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्रैक्शन, इंटेग्रल का मतलब फ्रैक्शन नहीं, इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ इंटेग्रल इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। दिस इज रीजन फॉर क्वांटाइजेशन। क्या ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक चार्ज एडिटिव है, चार्ज को एड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर क्यू प्लस टू क्यू, थ्री क्यू, क्यू माइनस क्यू अगर हो तो वो जीरो चार्ज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन चार्ज में चलती है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान आगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप कहोगे ये क्या स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो कैसे? तो मैंने कहा कि देख ये पॉजिटिव चार्ज है, एक स्टूडेंट बोलता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, कैसे करूंगा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूंगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, सही है? उसने कहा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एंड में ये भी कहा इन आइसोलेशन। आप चार्ज को खत्म कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हो, आप किसी बॉडी को चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक नहीं, आपको दो बॉडीज चाहिए। अगर आप ये कहो ये ए बॉडी न्यूट्रल है, और मैं अगर ये कहूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, निकाल के फेंकेंगे हवा में, फेंके जाएंगे, नहीं ये तो नहीं केमिस्ट्री होती, कहां कहां फेंकेंगे, किसी कंडक्टर में फेंकेंगे, किसी हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, किसी दूसरी बॉडी में जाएगा। और अगर आप किसी दूसरी बॉडी को यूज कर रहे हो तो आइसोलेशन नहीं है फिर, तो आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको क्रिएट करने के लिए कम से कम कितनी बॉडी चाहिए, दो। सिंगल बॉडी पे चार्ज ना तो लाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, दूसरी बॉडी की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में एक और आता है कि ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, मतलब
या फिर ये भी आता है कि विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो दैट रिपल्शन इज ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन इज द ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब रिपल्शन से आप, रिपल्शन की फोर्स से आप ये बता सकते हो कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं समझ ना पाता कि मैंने क्या बोला, ठीक आपकी तरह कि क्या बोला। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम उल्टा करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज इसमें, सपोज एक रॉड है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है यहां तक। इसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मान लो एक न्यूट्रल स्फीयर है, जैसे ये एक रॉड है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है। अभी अभी क्या डिस्कस किया कि अगर आप एक न्यूट्रल कंडक्टर को इसके सामने रखोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इंडक्शन। नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक कंडक्टर है, एक स्फेयर है, और नेगेटिवली चार्ज रॉड जब इस स्फेयर के सामने लेके आओगे तो उस केस में इंडक्शन हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है यहां तक। अब क्या होगा मुझे बताओ, नेगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है अट्रैक्ट करेगी, तो इंडक्शन की हेल्प से, इंडक्शन की हेल्प से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, मानते हो इस चीज को। और जब वो चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इस पोर्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो पक्की बात है कि ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मानते हो इस चीज को, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओरिजिनली बताओ, मैंने आपको बस ये डायग्राम दिखा दिया और मैंने ये बता दिया कि दिखा कुछ नहीं रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये दो बॉडीज हैं और ये दोनों आपस में ना अट्रैक्ट कर रही हैं, तो बताओ इनके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो आप कहोगे सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन रियलिटी क्या थी कि इसके ऊपर ओवरऑल तो नेगेटिव था लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल अपना कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन से एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो वो बॉडी एक्चुअल में न्यूट्रल थी या वो बॉडी एक्चुअल में चार्ज थी इसलिए अट्रैक्शन हुआ, आप ये बता नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया क्या डिफरेंस है। तो एक तो ये होता है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट पक्का करेंगे, पर इस केस में तो उल्टा है, इसमें तो ये भी हो सकता है, नहीं गलत भी नहीं है ये हो भी सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज थी और दूसरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो आप दूसरी बॉडी की कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि क्या वो चार्ज थी या ओरिजिनली वो न्यूट्रल थी, नहीं मालूम। तो यही लिखा हुआ है, सम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, तो जैसे ये बॉडी ओरिजिनली क्या थी, न्यूट्रल थी, तो इसके ऊपर इस नेगेटिव ने क्या किया, इंडक्शन किया, इंडक्शन की हेल्प से ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बॉडी ओरिजिनली चार्ज थी। अब उसी केस में सपोज करो, सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लो ये एक बॉडी है और ये भी तो केस हो सकता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये ओरिजिनली पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल नहीं थी, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज देके भेजा, तो भी तो आपस में क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट। और जबकि इस केस में बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज, इस केस में इट वाज न्यूट्रल, तो आप सिर्फ ये सुनते ही कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये बॉडी चार्ज थी या न्यूट्रल थी, कुछ भी केस पॉसिबल है। डन, यहां तक समझ में आया, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, निखिल क्लियर है यहां तक। तो जब कोई बॉडी ये बोले या कोई स्टूडेंट अगर ये बोले कि ये एक रॉड दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप क्या आंसर दोगे कि दूसरी बॉडी या तो चार्ज्ड है या दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। और इसका और बढ़िया एग्जाम्पल भी याद आया मुझे, कई लोग शीशे के आगे बहुत अपना टाइम डिवोट करते हैं, बाल सेट, वो बाल करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं और इतना कर लेते हैं उनके बाल सेट होना बंद हो जाते हैं, राइट, और वो खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, क्यों,
क्योंकि बाल सबसे ज्यादा चार्ज का अफेक्ट बालों पे होता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज बॉडी को टच भी करोगे, सबसे पहले हेयर के ऊपर अफेक्ट होता है। तो जब आप कॉम्ब करते हो, तो कॉम्ब बार 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 करे जा रहे हो, तो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, बालों के इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में से कॉम्ब में चले जाते हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो बालों के ऊपर प्लस 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 चार्ज है, वापस में जुड़ नहीं पाते, वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, बाल खड़े हो गए या ठीक तरह सेट नहीं हो रहे, फिर आप थोड़ा देर बाद देखोगे, दोपहर तक या 2-3 घंटे बाद, तो मेटल मोटल को टच टुच करोगे इधर उधर, तो चार्ज निकलेगा, तो जाके वो थोड़ा ठीक बैठेंगे। ठीक, फिर एक जादू भी करते छोटे होते, कॉम लिया, कागज लिया, और फिर वो चिपक गए, ये भी होता था। वो आज समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि वो कागज क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कॉम्ब कहाँ से चार्ज लेके आया, बालों से, वो चार्ज है, और चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए वो अट्रैक्ट होते थे। सही टेक्निक है, जादू कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, कोई समझा नहीं पाएगा उस टाइम, क्योंकि इंडक्शन नहीं किसी को पता होती थी छोटी क्लास में, बट पॉइंट समझ में आया कैसे हुआ। फिर आप हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रक जा रहा है जिसमें कोई पेट्रोल या कोई बहुत बड़ा कंटेनर जा रहा है जिसमें आग लग सकती है, चेन्स लटकी होती हैं लंबी लंबी ट्रक के पीछे, चेन्स सड़क को टच करती हुई जा रही होती है, वो क्यों, ट्रक तेज चल रहा है, एयर के साथ फ्रिक्शन है, तो एयर के साथ फ्रिक्शन में चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, कि चार्ज डेवलप हो जाता है, वो पेट्रोल जो है वो बर्न हो सकता है, आग लग सकती है। तो चेन्स क्या करती हैं, चेन्स अर्थ के कांटेक्ट में रहती हैं, अगर चार्ज डेवलप भी हो गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उसकी सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन चेन से होते हुए किस में चले जाएंगे, अर्थ में, बिकॉज अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो चेन को भी न्यूट्रल कर लेगी, और चेन किसके साथ कनेक्टेड है, मेटल के, ट्रक के साथ कनेक्टेड, ट्रक भी न्यूट्रल रहेगा, आग नहीं लगेगी उसमें, तो इसलिए चेन्स लटका के उसको चलाया जाता है। लेकिन इतना नहीं होता, वो फ्रिक्शन आग नीचे लगती है, वो ऊपर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, पर चार्ज ज्यादा डेंजरस है जो उसमें डेवलप हो जाएगा सरफेस में। क्लियर है यहां तक, तो चार्ज का ये, हाँ, सम न्यूट्रल मतलब, नहीं, ये सबके साथ तो नहीं लग सकता, जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं जो पकड़ नहीं पाते, कोई सरफेस नहीं, जिनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है जो जा सकते हैं, ट्रांसफर उन्हीं के साथ पॉसिबल है, सिल्क हो गया, कागज हो गया, हर के साथ नहीं है, सारे कपड़े अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये नहीं है कोई चार्ज बॉडी ली बॉटल भी अट्रैक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ कुछ के साथ चलेगा, कुछ के साथ नहीं चलेगा। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, रिदम क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इन दो एग्जाम्पल से हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि ये बॉडी न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकली चार्ज है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन नॉट से बॉल इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके लिए क्या किया, हम रिपल्शन की तरफ चलते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया, मैंने नहीं बताया ये कौन सा चार्ज है, पर मैंने ये बताया कि सामने कंडक्टर है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आपने फटाफट बोल दिया कि इसके ऊपर पक्का नेगेटिव चार्ज है, तभी रिपल्शन हो रही है। तो मैंने कहा क्या पता इंडक्शन से हुआ हो, क्या पता ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, वो कहता न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होती है, रिपेल नहीं हो सकती। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर ये रॉड है नेगेटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी हमेशा इस तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करती है। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और इंडक्शन हो गई, इंडक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस कर सकती है, अट्रैक्शन। इसका मतलब जहां रिपल्शन वर्ड आ गया वहां बॉडी न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज हमेशा क्या होती हैं, अट्रैक्ट, रिपेल नहीं हो सकती। तो अगर रिपल्शन हुई इसका मतलब इस बॉडी का ओरिजिनली अपना कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी क्या हुई, रिपल्शन हुई। पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए अगर मैं ये बोलता हूं आज के बाद कि दो बॉडीज आपस में रिपेल हो रही हैं, तो गारंटेड है कि ये वाली बॉडी कभी भी अनचार्ज या न्यूट्रल नहीं होगी, इस पे कोई ना कोई चार्ज तो होगा। अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो रिपल्शन से ही बताया जा सकता है कि
कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं। अट्रैक्शन वर्ड से दो केस पॉसिबल है, या तो वो चार्ज है या फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। तो क्या आपको इंडक्शन का प्रोसेस समझ में आया, क्या है इंडक्शन का प्रोसेस, कोई डाउट इसमें? सो दिस इज इंडक्शन। क्लियर।